हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुबीर है। आज आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, एक साइकोलॉजी वाली कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है। कहानी के अंत में आपको डिसाइड करना है कौन सा कैरेक्टर आपके हिसाब से सही था, ठीक है? मतलब लॉजिक के हिसाब से आपको समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दो गाँव थे, ठीक है, विक्रमपुर और सीतापुर। विक्रमपुर और सीतापुर में एक प्रॉब्लम है। विक्रमपुर में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है और सीतापुर में सिर्फ हाई स्कूल है और बीच में से जाती है एक नदी। तो यहाँ के बच्चे वहाँ छोटे में पढ़ाई कर लिए, यहाँ के बच्चे यहाँ हाई स्कूल में पढ़ाई कर लिए, तो सबकी अच्छी अच्छी दोस्ती हो गई। उन्हीं दोस्ती में से चार दोस्तों की बात आज हम करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में जो गांव है सीतापुर, वहां दो दोस्त हुआ करते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है शीतल, एक लड़का है जिसका नाम है मुकेश। दाहिने तरफ विक्रमपुर में जो दो दोस्त थे, दोनों ही लड़के थे, एक था प्रदीप और एक था हिमेश। याद रख लिए चारों नाम, प्रदीप, हिमेश, शीतल, मुकेश, ठीक है? ये चारों नाम याद रखिए। प्रदीप, अभी उनके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में बात करते हैं। दाहिने तरफ जो विक्रमपुर में प्रदीप था, वो एक बहुत बड़े राजनीतिक वाले परिवार से, पॉलिटिकल जो फैमिली है वहाँ से बिलोंग करता है। अच्छी खासी उनकी रुतबा है, पैसा है, बहुत कुछ है। उनके पिताजी MLA से MP भी बन चुके हैं और अभी प्रदीप को MLA बनने की वो कोशिश कर रहा है। पढ़ाई ख़त्म हो गया है, अभी वो MLA बनने की कोशिश कर रहा है। उसी के गांव में उसका दोस्त है हिमेश, जो एक बेरोज़गार है, रोज़ कंपनियों के चक्कर काट रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके पास देने को कुछ है नहीं, ठीक है? बहुत ईमानदार लड़का है, इसलिए उसको पैसा देना पसंद नहीं, उसके पिताजी को भी पसंद नहीं, इसीलिए वो हमेशा रोज़ घर आता है ना तो दारू पी के आता है और बहुत पापा से आर्ग्यूमेंट हो जाता है उसका। पैसा देते तो मैं कहीं, या रेफरेंस वगैरह मिलता तो मैं कहीं अभी तक लग जाता। छोड़िए, इस तरफ जो है सीतापुर में लड़की का नाम शीतल है, वो एक बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बाहर उनका बहुत नाम है, उस गांव में भी सब उनको जानते हैं, बहुत सम्मान है उनका। और जो मुकेश है वो एक गरीब परिवार से है, उसके पिताजी सिर्फ एक नाव चलाते थे, उसी से उनका गुजारा होता था। उनके पिताजी जाते जाते नाव ही छोड़ गए और कुछ नहीं। माता पिता उसके गुजर चुके हैं और मुकेश अकेला है, अपने अभी शादी कर लिया है पढ़ाई के बाद, लेकिन बाहर जॉब करने के लिए वो नहीं जा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि नाव उसके पिताजी का एक आखिरी चीज़ है तो उसे नाव चलाना जारी रखना चाहिए, इसलिए वो नदी से इस पार उस पार करता रहता है। उसकी पत्नी घर संभालती है। शीतल जो है इकलौती बेटी है उनका, तो बहुत प्यार से उसे बड़ा किए हैं। अब चलते हैं इनके जो रिलेशन कैसा क्या चल रहा है। तो इन चारों में से शीतल और प्रदीप का एक लव एंगल है और इन दोनों को नहीं पता, मुकेश और हिमेश को नहीं पता है। इनका प्यार चल रहा है लेकिन बहुत छुपा छुपी में चल रहा है। तो एक ऐसी भी समय आया ऐसा कि शीतल को पता चल गया, शीतल के पिताजी को, कि प्रदीप से इसका प्यार हो रहा है और ये आगे चल के शादी कर लेंगे भाग के। तो एक दिन वो उनको जैसे पता चला, उसे कमरे में बंद कर दिया गया शीतल को और उनको वार्निंग दिया गया कि देखो तुमको अभी जब तक मैं ना कहूँ इसे घर से बाहर नहीं जाने देना, इसकी तुरंत शादी करवा दिया जाएगा। ये सब कुछ सुनने के बाद वो जिस कमरे में थी, वो एक स्टोर रूम था, तो उसे एक सीक्रेट रास्ता पता था। रात के 12 बजे करीब वो वहाँ से भाग गई। कहाँ जाएगी? उसी के गांव में उसका एक दोस्त थे मुकेश, तो मुकेश के पास गई, मुकेश से मदद मांगी। उस दिन तूफान आने वाला था, पहले से रेडियो में बता दिया गया था, तो मुकेश की पत्नी को ये उसको मालूम था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसलिए उसने मना किया। मुकेश ने भी मना किया, नहीं नहीं अभी इतने रात को मैं प्रदीप के घर नहीं ले जा सकता,
तो उसने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत ये किया, तो फिर मान गया मुकेश। लेकिन तूफान तो आने वाला है यार, कुछ ही देर में तूफान आ ही जाएगा, तो क्या करें कैसे करें। तो फिर मुकेश लेके जाता है क्योंकि दोस्त की मदद करना है। तो कुछ ही दूर जाते हैं तो बहुत जोर से बारिश और तूफान आने लगता है। मुकेश पूरा डर जाता है क्योंकि उसकी पत्नी है, बच्चा है, दोस्त के चक्कर में कहीं उसकी बलि ना चढ़ जाए और उसके बच्चे अनाथ हो जाए, ये डर उसको सता रहा है। अभी जब शीतल मतलब बहुत खुश हो रही थी, चलो अभी मैं प्रदीप से मिलने जाऊंगी, बहुत मज़ा आ रहा था उसको, तभी वो मुकेश ने कुछ बताया। बोला देखो तुमको तो मज़ा आ रहा है, तुम अभी जाओगी, प्रदीप तुम्हें अपना लेगा और शादी कर लेगा, मेरा क्या होगा, मैं क्या वापस ठीक से जा पाऊंगा, या पता चला कि मैं कल तक ख़त्म, मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। तो शीतल ने कहा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ तुम। बोले तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं या कुछ है तो मुझे दे दो, कम से कम मेरे लाश के साथ मेरी पत्नी को वो पैसा मिल जाए, कुछ तो ऐसा दे दो। लेकिन शीतल ने कुछ भी मतलब कुछ भी उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ एक नाइटी पहन के चली गई थी। तो शीतल ने वही कहा कि मेरे पास तो अभी फिलहाल कुछ है नहीं, गले में कुछ नहीं पहना है, ये सब तो खोल दिया है मैंने, और सिर्फ एक नाइटी पहनी हुई मैं। तो उसने मुकेश ने कहा कि ठीक है, तुमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही नाइटी दे दो, तुम तो अंदर कुछ ना कुछ पहनी होगी, और प्रदीप का घर तो पूरा नदी के पार ही है, तो तुम चली जाना आराम से। वो बोलती नाइटी दे कैसे दे सकती हूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बोला ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक आदमी तुमको इतने रिस्क लेके आता है तो तुमको भी उसके बारे में थोड़ा समझना होगा। और थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल होने के बाद शीतल ने वो कपड़ा उतार के दे ही दिया, क्योंकि वो भी मॉडर्न है, उसे फर्क नहीं पड़ता, और वो कुछ हाफ पैंट टाइप की और कुछ इनर्स वगैरह कुछ पहनी हुई थी, तो उसको खोल के दे दिया। और ये लोगों नदी पार हो गए। पार होने के टाइम सुबह, करीब करीब सुबह हो गया। लोग जो आते हैं नदी में वो सब देख के हैरान है, नदी से एक आधी नंगी औरत कहाँ से आके जा रही है, तो उसका पीछा करने लगे सब, ये कहाँ जा रही कहाँ जा रही। सब इतना भीड़ हो गया उसको पीछा करते करते, वो लड़की सीधा प्रदीप के घर के एंटर कर रही है। प्रदीप दूर से देख लिया उसको और बोला ये क्या ऐसी हालत में आ रही, यार मेरा तो पूरा कचरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी इज्जत चला जाएगा। तो फिर तुरंत प्रदीप गेट के पास चला जाता है और उसे रोक लेता है। बताओ तुम कौन से पार्टी से हो और क्यों मुझे बदनाम करने के लिए इधर आ रही हो। तो बोले क्या पार्टी से, अरे मुझे नहीं पहचान पा रहे हो क्या, अरे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अरे काहे का गर्लफ्रेंड, मैंने कभी तुमको देखा ही नहीं, अरे कभी स्कूल में दोस्त हुआ करती थी तो आज गर्लफ्रेंड हो गई। गांव वाले सब देख रहे, अरे क्या है ये सब चल रहा है। तो बोले देखिए गांव वालों, ये मुझे बदनाम करने का एक नया साजिश है, और ये मेरे ही क्लास में पढ़ती थी, मुझे बहुत बार इसने हेलो फेलो बोला लेकिन मैंने माना नहीं, अब पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट जो मेरे ऑपोजिशन है उनके साथ मिलके मुझे फंसाना चाहती। गांव वालों ने बहुत गाली दिया उसको। तो वो लड़की बहुत मतलब परेशानी से झेल के आई हुई है, उसका दिमाग पूरा उल्टा हो गया। वो तुरंत नदी में भागने जा रही थी सुसाइड करने के लिए, तभी उधर से हिमेश जो है थोड़ा पी के, वो जॉब तो हुआ नहीं, पी के आ रहा है, रिटर्न आता है, तो हिमेश देखता है, अरे अरे तुम यहाँ कहाँ जा रही हो शीतल। तो गांव वाले भी उसको पीछा कर रहे, शीतल सुन ही नहीं रही, वो शीतल भागती जा रही, गांव वाले पीछे जा रहे। तो हिमेश ने उसका पीछा किया, उससे बचा लिया, एंड टाइम पर उसको बचा लिया। फिर उसको ज़बरदस्ती वो अपने घर लेके गया, घर में जाके उसे पूछताछ किया तो पता चला कि प्रदीप ने उसे रिजेक्ट कर दिया अपनी सोसाइटी, अपने मतलब पावर का देख के, अपना मतलब उसको कहीं बदनामी हो जाएगा और MLA नहीं बन पाएगा, इसलिए वो उसे लटार दिया। अब हिमेश उसको समझा रहा है, देख भाई वो भी एक पावरफुल आदमी है, कल को वो MLA बनने जा रहा है, तो तुम भी ऐसी हालत में क्यों आई। तो वो बताने लगी कि मुकेश ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया वगैरह वगैरह। तो फिर उसने समझाने के बाद उसको घर में ही रखा, बोला देखो टेंशन मत लो, मैं प्रदीप से बात कर लूँगा। वो जाके प्रदीप से बात करता है तो प्रदीप मना कर देता है, अगर तुझे शादी करना है तो कर ले, मेरे पास मत आ वगैरह वगैरह बोलता है।
तो हिमेश जो है ना वो एक तो बेरोजगार है, कुछ कमाता नहीं है, और ये उसको सही मौका लगा है, बोला मैं भी थोड़ा थोड़ा प्यार करता हूँ इसे, एक बार बात करते हैं। उसने जाके शीतल को बोला कि देख वो तो तू इससे शादी नहीं करने वाला है, और मुकेश तो ऑलरेडी शादीशुदा है, और मैं ही एक अकेला ऑप्शन हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ, आगे चल के कमाएंगे फिर देखेंगे। तो वो प्रपोजल देता है और शीतल को थोड़ा लगता है कि ये बहुत सेल्फिश वाली बात है, क्योंकि एक दोस्त का मतलब गर्लफ्रेंड को ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन उसके पास भी ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं थे इसलिए वो एग्री हो गई। तो अभी आपकी बारी, आपको बताना है कि ये चारों में से कौन गलत करता था, कौन किसी कौन सही है, कोई अपनी जगह वो सही है और कौन बहुत ज़्यादा गलत है। मुकेश जिसने उसे आधे रास्ते में नाइटी मांग लिया, शीतल जिसने बिना सोचे समझे इसको खोल दिया, और कोई लड़की होती तो शायद नहीं खोलती, लेकिन वो इतनी मॉडर्न ख्यालों वाली है तो उसने खोल दिया, जिसके वजह से उसे भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और प्रदीप जो अपनी भाई वो अपना जो MLA कैंडिडेट बनना चाह रहा है, अपने पिताजी का नाम रोशन करना चाह रहा है, तो वो इसी वजह से वो इस हालत को तुरंत हैंडल नहीं कर पाया। हिमेश जो खुद एक बेवड़ा है, बेरोजगार है, और वो अच्छा मौका देके वो उसने भी चौका लगा दिया। तो इन चारों में से आपको कौन लगता है सही है और कौन गलत है? ओके बाय।